आइए आज जीके प्लस पर जानते हैं कि आखिर पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है। सभी जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य का लगभग 90% भाग जल का होता है। सभी प्रकार के बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक होता है। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधों में उपस्थित हरा पदार्थ यानी क्लोरोफिल या पर्णहरित सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर जल के अणु को तोड़ता है। जल के अणु के टूटने से बनी हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के रूपांतरण से ही पौधों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, जिनमें से कई को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों में जल के अणु के टूटने से ऑक्सीजन भी बनती है। पौधे ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, वही ऑक्सीजन हमें जीवित रखती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधों के वायव्य भागों से जल वाष्पित होता है, जिसमें पौधों की ऊष्मा प्रयुक्त होती है। इससे पौधों का तापक्रम स्थिर रहता है और अधिक ताप पर पत्तियां झुलसती नहीं हैं। पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ तथा भूमि से अवशोषित खनिज लवण जल में घुलित अवस्था में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। जल पादप की कोशिकाओं की स्फीति दाब को बनाए रखते हैं, जिससे पौधों के विभिन्न भाग तनाव की दशा में रहे हैं। अनेक पौधों में परागकण की क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है। मॉस तथा फर्न आदि पौधों में निषेचन की क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है। कमल नारियल आदि पौधों के फलों व बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा ही होता है। जीवित कोशिकाओं में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए जल ही एक उचित और सशक्त माध्यम है। कुछ पौधे जल में ही रहते हैं या इनके कुछ भाग जैसे जड़ प्रकंद आदि जल के संपर्क में रहते हैं। इन्हें जलोद्भिद पौधे कहते हैं। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही अलग अलग जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।